श्री गुरवे नमः नामयम गुरुदेवाय धीमते सममृतये भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमात् भक्ति प्रज्ञान केशवति नामि नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार्षवानिधेविदयिताय कृपाद्वये कृष्णसंबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंतहारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बदे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवाविर्भावमिस्तन् निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर सुप्रसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावानाला समम संसार दहनी दख जीव पुरा
Thank you.
Thank you.
Thank you.
बाकी रह गए कौन पंडित जी हाँ राधे जय जय गाल Thank you.
Hare 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 Hare
माइक दे दो। हरे कृष्णा हरि बोल। ओम ज्ञानेन्द्रियांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये कहाँ है जनार्दन महाराज? तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये। ए उसको बुला दो तो कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव उत्तरीति तन्मयतयातर भूविनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे? भगवान भगवान अपना माँ को जीव को उपलक्ष्य करते हुए दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो माँ है ये जन्म जन्मांतर में ही ठाकुर का माँ है। ये सब के सब भगवान की ये नित्य परिकर है, लेकिन तभी भी इन लोगों ने जैसे जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वो अर्जुन के लिए थोड़ी है। अर्जुन तो ठाकुर का नित्य परिकर है, हैं? लेकिन वो हमें उपलक्ष्य करते हुए हमको ज्ञान देने के लिए उनको उपलक्ष्य किया। ठीक उसी तरह ठाकुर जी हम जैसे बद्ध जीवों को कल्याण करने के लिए ठाकुर जी अपना माँ को जैसे मोहित करके माँ हम लोगों का हो करके प्रश्न कर रही है। क्या प्रश्न की थी? बोले बेटा तू कहते हो साधु संघ को द्वारा ही जीव का कल्याण होगा और कोई उपाय नहीं, लेकिन वो साधु का क्या लक्षण है? ऐसे ने तिलक कंठी धारण कर लिया और उसको साधु बोलो वृंदावन में, अब देखना वो परिक्रमा मार्ग में एकादश में भी छोले खा रहे हैं, एकादश में भी रोटी खा रहे हैं, और वहाँ पर एक नियम है तभी वहाँ पर मिलेगा आपको अन्न छत्र में, आपको साधु ड्रेस पहनना पड़ेगा। इसलिए उनको साधु ड्रेस उनको देते हैं, लाल कपड़ा देते हैं, भले भजन भजन से कोई मत नहीं, बैठ करके उल्टा पुल्टा बात करना कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं, केवल वृंदावन में हैं जैसे वृंदावन में रह रहे हैं लेकिन एकादश में सब उल्टा पुल्टा चीज सब खा रहे हैं। इसलिए क्या पोशाक पहन लिया? साधु का चोला पहन लिया। इसलिए यहाँ प्रश्न करते हैं भगवान को, माँ हैं यहाँ पर कहते बेटा कुछ साधु का कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पहले श्रवण करके आए साधु की 26 लक्षण है, 26 लक्षण है,
उसमें कुछ स्वरूप लक्षण और कुछ उसमें तटस्थ लक्षण है, इसको इस विषय पर हम सुन करके आए। फिर उन्होंने भगवान स्वयं साधु संग से जीव को क्या प्राप्त होता है, तब ठाकुर जी एक श्लोक बोले थे, कौन सा श्लोक है, सतांग प्रसंगात मम वीर संबित हो भवंती हृति कर्ण रसायन कथा। साधु संघ का महिमा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, बोले सतांग प्रसंगात, इसमें जो एक जो शब्द है वो लक्ष्य देने वाले शब्द है, साधु की संग से, केवल संग नहीं बताया प्रसंग, कहते भैया साधु का जट जो जटा होता है ना उसमें एक कीड़ा रहता है उसको जू, वो क्या कहता है, साधु का खून चूसता है, साधु का वो खून चूसता है, वो तो सबसे बड़े साधु के पास में रह रहा है, क्या वो साधु संग कर रहा है क्या, नहीं। इसलिए कहते हैं साधु का साथ में रहने पर भी संग नहीं होता है। हम पहले श्रवण कर रहे थे ना, प्रभुपाद ने किसी एक ब्रह्मचारी को बोले, बोले ये कौन है, बोले गुरुदेव ये तो मठ में रह रहा है, ये तो ब्रह्मचारी मठ का, बोले इसको मैं जानता नहीं लेकिन वो रह रहा है मठ में, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मठ में रहने पर भी मठ में नहीं रहना होता है जब तक कि गुरु जी की उपदेश को हम पालन नहीं करते हैं। इसलिए रहने पर भी, इसलिए प्रभुपाद के साथ कुछ देखा है और मंदिर में देखा है, शिक्षा किया है, इसलिए केवल गुरु जी को पास में वैष्णव को पास में रहने पर भी काम नहीं चलेगा जब तक उनका आदर्श को हम जीवन में नहीं उतारते। इसलिए बोले माँ सतांग प्रसंगार, कहते संतों का प्रसंग मतलब विशेष पूर्वक जो उनका संग से क्या होता है, कहते मम वीर्य संविदो, कहते वहाँ पर मेरी जो वीर्यवती जो कथा होती है, वीर्यवती मतलब कथा बहुत जो है बलवान कथा होती है, क्या होता है उसको द्वारा संभवती हृतिकर्ण रसायन कथा, वो कथा कैसे है, कहते वो रसायन कथा हैं, हैं वो कान को रस देने वाले, और जैसे रसायन हम पहले सुना है ना, वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो 10 तरह का जड़ी बूटियों से बनता है, उसको पीने से शरीर का सारे बीमारी सही हो जाएगी और शरीर में तुम्हारी ताकत आ जाएगी, हैं वो रसायन का। तो अगर ऐसे साधु संग पर संग में अगर हम कथा सुने क्या होगा, हमारा जो परमार्थ का जो जीवन है, भक्ति का जीवन एकदम दृढ़ हो जाएगा, हैं भक्ति जीवन पूरा पक्का हो जाएगा, हमारी भक्ति जीवन दृढ़ हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, मम वीर जो संविदो भगवत हृतिकर्ण रसा ताजो सना आसो अपवर्ग वर्तमनी, ऐसे कथा सुनने से क्या होगा, जितने अपवर्ग है, हम पहले सुना ना पवर्ग मतलब क्या है, कहते प फ ब भ म, कहते ये जितने सब के सब क्या होगा, मेरे कथा को प्रतिपूर्वक आस्वादन करने से, कहते ये सब के सब ये अविद्या अपवर्ग वर्तमनी, मतलब ये जितने अविद्या है वो सब के सब अविद्या नष्ट हो जाएगा, है नष्ट हो जाएगा। फिर उसको द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे श्रद्धा, कथा सुनते सुनते श्रद्धा, उसको धीरे धीरे फिर रति, रति मतलब भाव, और भक्ति मतलब भगवत प्रेम, धीरे 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 कथा सुनते 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 बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी, धीरे 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 जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए हम कथकल परसों ये सब कथाओं का श्रवण किया था और उसमें सुना था कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का जो जन्म और जो मूल है वो साधु संघ है, कृष्ण भक्ति साधु संघ के बगैर हमें भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्तों का संघ से भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग ने इस बात हम लोग ने श्रवण किया था, यहाँ पर ये भगवान एक श्लोक कहते हैं, बोले भक्तिस्त स्थिर तरा, बोलो मुक्ति स्वयं मुकुदा जलि सेवत असमान धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए कहते भक्ति स्तय स्थिरतरा भगवान यदि स्यात्, अगर भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति हो गई, अगर स्थिर भक्ति हो गई, उसको द्वारा क्या होगा, दैवन दिव्य किशोर मूर्ति, भगवान का जो श्याम सुंदर जो रूप है किशोर मूर्ति तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, दैवन दिव्य किशोर मूर्ति। अगर भगवान
कृष्ण अगर हृदय में प्रकट हो जाएगा तो उसका फल क्या, बोले जो धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, कहते जो धर्म अर्थ और काम ये जो त्रिवर्ग है ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं भक्तों को, प्रभु कब कृपा करके हमें थोड़ी सी अपना सेवा हमें स्वीकार कर ठाकुर के सेवा में हैं। जैसे तो हनुमत लाल जी दिन भर क्या करते हैं, भक्ति करते हैं ना, दुनिया को रिद्धि सिद्धि वैभव सब कुछ प्रदान करते हैं, हैं हृदय में जो भक्ति इसका बड़ा महत्व है भक्ति की। जैसे सनातन गोस्वामी उनको क्या मिला था, पारस पत्र मिला, उन्होंने क्या किया कूड़ादान में फेंक रखे, तो उनको याद नहीं था मेरे को पारस पत्र मिला हमने कूड़ादान में उसको फेंक करके हम रखे हैं, उनको याद भी नहीं था इस चीज़ की। इसलिए इतने धर्म अर्थ काम सब के सब समय प्रतिज्ञा करते हैं और मुक्ति बाहर दरवाजा को बाहर हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं, कब कृपा करके हमें भक्तों लोग कृपा करके हमें स्वीकार करें। भक्ति की इतने महिमा है, हम भक्ति की महिमा को नहीं समझते हैं इसलिए दर दर इधर उधर हम भटक रहे हैं। अगर भक्ति की महिमा समझ जाए ना फिर तो सब छोड़ कर भगवान की भक्ति में लग जाएगा। देखो अभी यहाँ पर ठाकुर जी जो वर्णना कर रहे हैं कि संसार का क्या दशा है, इसको ध्यान देकर सुनो, हम कैसे जीव ये माया के संसार में हम कैसे फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 300 अध्याय में कैसे ये जीव अपना स्त्री पुत्र परिवार का प्रति कैसे जीव आसक्ति हो करके जीव कैसे इस संसार का बंधन को प्राप्त करके जन्म मृत्यु का चक्कर में कैसे भटकता है और कैसे नरक यातना भोग कर रहे हैं, अभी ये बात को बता रहे हैं। ये बात को कहते ये किसको ये नरक यंत्रणा भोग करना पड़ता है संसार आवत, कहते जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ये चीज को समझ लो, जो भगवान की भक्ति से जिनका कोई मतलब नहीं, केवल कैसे पैसा कमाओ और खाओ पियो स्त्री पुत्र परिवार को भरण पोषण करो मर जाओ, ये इन्हीं के लिए ये बात है। लेकिन जो संसार में प्रभु की भक्ति करते हैं अपना स्त्री बच्चे परिवार सबके सब हरिनाम करते हैं भजन करते हैं भक्ति करते हैं, कहते उन्हीं के लिए ये बात नहीं, ये चीज को समझ लो, उन्हीं के लिए ये बात नहीं। जो प्रभु की भक्ति छोड़ दिया, कहते ना राम नाम की अंक है सब साधन के सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुना, अगर एक को रख करके अगर एक एक जीरो दो ना वो दस दस गुण बढ़ेगा, अगर एक को छोड़ करके बोले जीरो 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 ही, एक क्या है बोले भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति है। अगर प्रभु का भक्ति को छोड़ दिया केवल पैसा कमाओ खाओ पियो बीवी बच्चों को भाड़ कर मर जाओ, उन्हीं के लिए ये गति क्या है ये सुनने का बात है। ये ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं क्योंकि हमें इस बात बता नहीं ना क्या होता नहीं होता, लेकिन भगवान स्वयं ये बात को कह रहे हैं। बोले देखो कहते हैं जैसे मेघ, जैसे उपज में ये होता है ना मेघ होता है, हवा जिधर जाता है मेघ को उधर ले जाता है, कहते उसी तरह संसार में ये जीव भी कहते हैं क्या काल को द्वारा परिचालित तो होकर के हैं, क्या कहता है ये काल को द्वारा परिचालित तो होकर के जीव संसार में भ्रमण करता है। कहते पुरुष लोग इसी संसार में जो पैसा कमाते हैं उनको पता है कितने कष्ट करके पैसा कमाते, जो पैसा कमाता है उनको पता होगा दिन रात बराबर करके उन्होंने संसार में अर्थोपार्जन करके क्या करते अर्थ को द्वारा ये संसार कुटुंब को भरण पोषण करते हैं, भरण पोषण करके अगर ये पैसा अगर किसी कारण से फिर नष्ट हो जाता है फिर उनका बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि कष्ट करके पैसा कमाए अगर वो पैसा नष्ट हो जाता है बड़ा कष्ट उसको मिलता है। इसलिए क्या करता है स्त्री पुत्र परिवार पैसा को ही संसार का नित्य मान लेता है, यही जीवन का सार है यही नित्य है, लेकिन भगवान के भजन को नित्य नहीं मानते, ये पैसा रुपया स्त्री पुत्र परिवार को समझता है यही ही सही है और प्रभु का भजन ही झूठा है। एवं इसलिए कहते कितने कष्ट करके पैसा कमाता है, तब भक्तिमन ठाकुर हमारे भक्तिमन ठाकुर कहते हैं ना सीता तप बात बरीसन ए दिन जामिनी जागिरे कृपण से कृपण दुरजन
चपल सुख लभ लागिर। इसलिए कहते शीत, शीत मतलब अभी देख रहे कितना ठंडा पड़ रहा है शीत। लेकिन जो पैसा कमाते हैं वो ठंडी, जब पैसा कमाना होता है ना ठंडी भी, उसको ठंडी को ठंडी नहीं मानते, ये ठंडी में भी जाते हैं। कहते शीत आतप, आतप मतलब होता है जो गर्मी, आपको पता है इधर कितना गर्मी पड़ता है, हैं? फिर बात जैसे कभी कभी आंधी तूफान आ जाता है, बरिशण मतलब जिस समय बारिश होता है, शीत आतप बात बरिशण ए दीना जामिनी जागिरे। दिन और रात को जग करके अक्लांत परिश्रम करते हुए जीव संसार में ये पैसा को कष्ट करके ये पैसा को कमाते हैं, पैसा को कमा करके क्या करते हैं फिर संसार में, अपना संसार में लगाते हैं संसार में। लेकिन एक आश्चर्य का वस्तु है, क्या आश्चर्य का वस्तु है, हाँ कहते जंतु बई भव एतस्मिन जाजाम जोनि मनु ब्रजे तस्या तस्या सलभते निवृतम न विरज्यते। कहते जंतु जिस जिस जोनि में भ्रमण करता है कहते उसी को ही वो सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। जैसे सुअर है वो भी अपना जीवन को सक्सेसफुल मानता है, एक साथ में 10-10-20 बच्चे जन्म देते हैं, कितने सुअरियों को साथ में वो घूमती रहती है। तब यहाँ पर उपनिषद का एक कथा सुनाते हैं, बोले एक समय है, कहते एक समय इंद्र ने कभी अपना गुरु जी को उन्होंने अपमान किया है, अपमान करने का नाते उसको गुरु जी के अभिशाप से स्वर जन्म होना लेना पड़ा। अभी स्वर्ग में राजा नहीं, क्योंकि अभी इंद्र बन गया स्वर, अगर राजा नहीं होगा तो अराजकता फैल जाती, अभी स्वर्ग में अराजकता फैल गई तो ब्रह्मा के पास में सब देवता प्रार्थना किए, प्रभु जी हमारे राजा नहीं, अभी स्वर्ग में तो अराजकता है। अभी ब्रह्मा जी ने देखा फिर इंद्र गया था, देखा ये इंद्र ये मरते जगत में आकर स्वर बन गया है, स्वर बनकर की और स्वर ही बच्चों के साथ में मस्त ले रहा है और कीचड़ में लोट पोट खाता है, टाटी पे सब खाता है और इसी को ही अपना सार्थक समझता है। इतने में ब्रह्मा जी इनको उधार करने के लिए आए, जो उधार करने के लिए आए देखा इसका स्थिति कहाँ इंद्र कहाँ कीचड़ में बिष्टा खा रहा है और उसमें कैसे लोट पोट खा, खूब मस्त है। तो ब्रह्मा जी ने आकर के बोले देखो सुअर तुम इंद्र हो, स्वर्ग का इंद्र हो, हैं स्वर्ग का इंद्र हो, तुम स्वर्ग में फिर लौट चलो, हैं फिर स्वर्ग में लौट चलो। तब वो सुअर कहता है वहां जाऊंगा तो ऐसे जो बीवी है सो सुअर ही ना मिल जाएगी वहां पर, और वहां पर देखो कितने यहाँ पर कितने हमारे बच्चे हैं, हैं जिनको साथ में मस्ती लेता हूँ, वहां पर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, और देखो कीचड़ कितने मुलायम, देखो कीचड़ वहां पर ऐसे कीचड़ क्या मिलेगा वहां पर, और देखो एकदम ताजी ताजी बिष्टा खा रहा हूँ, क्या वहां पर ऐसे मिलेगा। इतने में ब्रह्मा जी कहते हैं कहते तुम क्या बोल रहे हो, तुम पता है स्वर्ग में क्या है, तुम्हारी जो पत्नी सबसे सुंदरी सची तुम्हारी पत्नी वहां पर तो रंभा उर्वशी मेनका जो एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, हैं स्त्रियां हैं, और वहां पर सब जो जितनी वहां पर कल्प वृक्षा है, वहां पर सुधर्मा सभा है, और वहां पर पारिजात पुष्प, कहते वो एक पुष्प में इतने शक्ति है जो कुछ हम मांगेंगे एक पुष्प, नृत्य गान विद्या भोजन वस्त्रपान एक पुष्प दे सकता है वहां पर, हैं? और तू क्या कह रहे हो वहां पर अमृत पान करते हो और तुम क्या खा रहे हो। तब स्वर कहते भैया वहां पर मेरी स्वर्णी अगर नहीं, बच्चे नहीं, कीचड़ पिष्टा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, हैं? मैं वहां नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो ऐसे चलने वाले है नहीं, हैं? ये तो चलेगा नहीं ऐसे, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया उसका जो आसक्ति था ना बच्चों के ऊपर में, उन्होंने क्या किया अपने कमंडल से पानी लिया, मंत्र पुत्र करके बच्चों के ऊपर छिड़काव कर दिया, तो सारे बच्चे खत्म। उसको तो बड़ा क्रोध आया, तुमने सारे बच्चे को मार दिया, वो मारे ब्रह्मा जी को खदड़े, बोले मेरे बच्चे मार दिए, बोले कोई चिंता नहीं एक साल में मेरा एक दर्जन हो जाता है, 6 महीना में एक दर्जन जन्म दे देता हूँ, इसलिए कोई चिंता नहीं फिर तो हम बच्चों को जन्म दे देंगे। देखा उसको पत्नी के प्रति आसक्ति, फिर मैंने क्या किया फिर मंत्र पुत्र करके पानी छिड़काव करवाया तो पत्नी भी छटपट करते करते मर गया,
जब पत्नी मर जाएगी फिर तो किसको लेकर रहेंगे, पत्नी तो घर का मेन है ना। उसको तो बड़ा क्रोध आया, ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ा ब्रह्मा जी को। इतने में भले फिर शादी कर लूंगा, फिर चिंता क्यों कर रहे हो, क्या सुवर्णिया कमी है, फिर शादी कर लेना। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा इसको कल्याण कैसे करें। ब्रह्मा जी क्या किए, उन्होंने फिर कमंडल से पानी लेकर के फिर उसे स्वर के ऊपर जो छिड़काव करवाया, इतने में झट उसने इंद्र बन गया। तो इंद्र बन गया, अभी वहां पर कीचड़ में पड़ा हुआ था ना, टाटी पेशाब कीचड़, आप देखे होंगे सुअर कितने गंदा जगह पर रहता है। इतने बदबू जब इंद्र बन गया और उन्होंने देखा पहले मैं कहाँ रहता था, ये कीचड़ में बिष्टा खाता था, सूर्यों को साथ में, ये बच्चों को साथ में यहाँ पर लौट पड़ करता था। उसको इतना घृणा आया, बोले हे भगवान कहाँ मैंने पड़ा हुआ था और कहाँ मेरे को ब्रह्मा जी ने मेरे को कहाँ इंद्र ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे और मैं इंद्र को गाली दे रहा था, मारने के लिए दौड़ रहा था। हैं, देखो ये जो शिक्षा है ना, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात, जीव जिस जिस जोनी में रहता है उसी जोनी को ही समझता है ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं इस कथा को द्वारा, हम रहने वाले कहाँ पर हैं, भगवान के पास में, अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान की संतान, रहने वाले गोलोक वृंदावन के, लेकिन हमने ये संसार में आकर फंस गए और ये माया के संसार को अपना सब मान लिया, संसार की माया को, संसार को अपना सब कुछ मान करके। अगर हमें कोई कहता ना भगवान के पास में जाओगे, बोले जैसे बीवी मिलेगी ऐसे बच्चे मिलेंगे, ऐसे दुकान घर दुकान मिलेंगे, हैं, कभी कभी हम किसको कहते हैं, ये ब्रह्मा जी कौन है, ये साधु संत है, गुरु वैष्णव है, हैं, ये हमें समझाने के लिए आते हैं, जीव जागो गोरा चांद, बोले जगो खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबद्धत, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर उठो जगो, तुम कहाँ ये संसार की कीचड़ में पड़े हुए हो, हैं, कहाँ ये माया की जाल में तू कहाँ फंसे हुए हो, जहाँ पर भगवान की कल्प वृक्ष है, जहाँ पर भगवान के प्रसाद दिव्य भगवान की धाम है, हाँ वहाँ के तुम रहने वाले हो, इसलिए चलो। लेकिन हम तो सुअर है, हम सब सुअर है, लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहते। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले माँ ये संसार में जो जहाँ पर रहता है उसको छोड़ना, भले ही संसार का सारे दुख कष्ट वो करता है, हैं, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, संसार का क्या वर्णना करते हैं ठाकुर जी, हाँ, इसलिए प्रभु खूब खुश कहते, इसी स्त्री पुत्र बंधु परिवार में हैं अपना मनरथ को, इच्छा को पूरी करके क्या करता है, ये बंधन में रहते हुए भी, ये दुख कष्ट भोग करते हुए भी जीव क्या मानता है, अपना जीवन को धन्य धन्य मानता है, यारे यहाँ पर हम बढ़िया है, हैं, हम बढ़िया है, ये बड़ा भरण पोषण दग्धीभूत हो गया था कि अभी संसार में स्त्री पुत्र परिवार को भरण पोषण करना पड़ता है। जब भरण पोषण करने के लिए जीवन में जीव कितने दुख कष्ट को उठाता है, कभी कभी जीव पाप में प्रवृत्त हो जाता है, संसार में संसार को भरण पोषण करने के लिए लोग कितने तरह का पाप में भी प्रवृत्त होते हैं, झूठ बेईमानी हैं, उल्टा पुल्टा काम करके कभी कभी जीव पैसा को कमाते हैं, कितने पाप आचरण करते हैं, और कभी कभी संसार में छोटे छोटे बच्चों का जो मीठी मीठी आधा आधा जो बोली है, हाँ, पापा पापा मामा मामा, बच्चों का जो आधा आधा बोली में, इसी में ही जीव क्या करता है, उसी में ही जीव एकदम डूब जाती है। फिर स्त्री की हैं, स्त्री के साथ में जो मीठी मीठी बोली, संसार का जो घर गृहस्थ की जो बात है, कहते जीव क्या करता है उसमें, संसार का निर्जन में पत्नी को साथ में जो मीठी मीठी बोली बोलता है जीव, कहते जीव उसी को ही हर समय में याद करता रहता है, इसलिए उसमें अभिभूत होता है, इसलिए कहते उसी में पढ़कर के जीव अपना को जीवन को धन्य मानता है। और क्या करता है, कहते हैं संसार में जीव भोजन क्या करता है, कहते जो घर में बच जाता है, जैसे उदाहरण देते जो कुत्ते संसार में क्या करते हैं, खाने का बाद जो बच जाता है कुत्ते को, उसको भोजन दे देते हैं। कभी कभी संसार में यही होता है, संसार के कमा रहे हम, संसार को भरण पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या करता है, सोचता है नहीं, घर का सबके सब जब खा लेंगे, जो बचेगा हम उसको खा लेंगे, लेकिन कमा रहा है वही, धमा रहा है वही,
भरण पोषण कर रहा है, लेकिन खाता है क्या? कहते गृह पालित कुत्ते जैसे ऐसे अपना जीविका को, जब खाने का बाद इसको खा करके अपना जीविका निर्भर करता है। हाँ, तो यहाँ पर कहते जिस समय संसार कैसे, भगवान कह रहे संसार कैसे, अब बलद को देखना, जो बलद खेती करते हैं ना, जब वो खेती करता है उसको तो खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन जब देखते हैं फिर काम नहीं करते हैं उसको क्या करते हैं, सामने कुछ फेंक देते हैं, खाए नहीं खाए उसको प्रति कोई नजर नहीं देते। कहते उसी तरह जिस समय संसार में जीव अर्थ उपार्जन करता है उसको तो बड़े आदर करते हैं, लेकिन जब देखते ही अर्थोपार्जन नहीं कर पाता है, हाँ एक जगह में बैठा रहता है कोई काम का नहीं, कद जैसे वृद्ध बलद को प्रति जैसे व्यवहार करते हैं, संसार में भी जीव उसको ऐसे व्यवहार करते हैं। अब क्या सोचते हैं, ये बूढ़ा कब मरेगा, ये बूढ़ी कब मरेगी, अभी तक तो मर ले रहे हैं। हाँ उसको जैसे है, एक घर में हमने गया था, एक बहुत बड़ा घर है, हमने देखा घर को बाहर में एक घर बना करके रखे हैं, घर का बाहरी साइड। मैंने कहा भैया ये घर क्यों बनाएंगे, बोले जो सब पितामह जो वृद्ध हो जाते हैं ना उनके लिए अलग ये रूम बनाए, जैसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, हैं क्योंकि जिसको देखता है उसको बुलाते रहें तो ये करो ये करो, उसके लिए ये घर बना गया। मेरे को बोल रहे थे मतलब महाराज को पता ही घर क्यों बना, बोले इसके लिए हैं, जैसे इस घर को उनको अलग घर में रख लेते हैं, वहीं पर पड़े रहे वहीं पर। इसलिए यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं ये सब बात को, अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ ऐसे ही संसार में फिर कोई जीव को जतना नहीं करते संसार में, जैसे वृद्ध बलद जैसे, लेकिन तब भी उसके संसार में मोह नहीं जाता है, माया के प्रति उसका मोह नहीं जाता है, फिर ज्यादा से ज्यादा उसमें मोहित तो होता है, तब भी उसके माया मोह नहीं जाता है। इसलिए कहते उसका कफ क्या हो, गला उसमें फिर बंद हो जाता है, कब से दिन जब वृद्ध हो जाते हैं देखना खांसते रहता है, हैं कफ बंद हो जाता है, और उस समय दोनों आंख बाहर निकल करके आ जाती हैं, और उसको कंठ घुड़घुड़ाते, फिर कंठ में घुड़घुड़ 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 शब्द होता है। देखो श्लोक है, बोले बाइनोत क्रम तो तारम कफ सरोध नारिना का स्वास कृतया स कंठ घुड़घुड़ाते, मेरे कंठ में कब जम जाने पर कंठ घुड़घुड़ घुड़घुड़ शब्द करता है, हैं? इसलिए जिस समय इसका मृत्यु का समय आती है, आने पर उसका पूरा परिवार बंधु बांधव उसको चारों तरफ में घिरे जाते हैं, जब घिर जाते हैं फिर उसी समय में उसको पूरा परिवार पूछते हैं, बोले पिताजी हमें पहचान रहे हो, हैं कहते मैं आपका बड़े दामाद हूँ, कोई कहता मैं आपकी छोटी बेटी हूँ, क्योंकि वो मरने का समय आ रहा है ना, वो आँख बंद करके पड़ा रहता है, इसमें सबके सब आ करके चार तरफ में परिवार घिर जाते हैं और उनको प्रश्न करते हैं, लेकिन वो चाहता है बोलना लेकिन मुँह से बोली नहीं निकलती है। कहते ऐसे करते 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 बड़े शोकातुर होकर के, हैं अपना हम जो कर्म करते हैं काय मन वाक्य से कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जंतु तो आते हैं, और तीन जंतु तो उसको गला को काल फांस से उसको बांधते हैं, लेकिन ये किसके लिए, ये चीज याद करो जो जीवन में भजन नहीं किया है, जो जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं किया, भजन से कोई मतलब नहीं रखा, उन्हीं के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन जीवन भर जो प्रभु का नाम किया, कीर्तन किया, भजन किया, प्रभु की भक्ति की, उनके लिए नहीं, उनके लिए तो भगवान से विष्णु दूत आते हैं, उनको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं, जो भजन नहीं करते ठाकुर जी उनके लिए सब बात को बता रहे हैं, उनका अंतिम दुर्दशा कैसे होता है। विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर तो ये कहते हैं जब भक्त सारा जीवन जो भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, करते करते जब वृद्ध हो जाते फिर ठाकुर को सेवा नहीं कर पाता, अरे उनको सेवा कौन करेगा, बोले ठाकुर को करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा जीवन तो ठाकुर को सेवा किया ना, भगवान की भक्ति भगवान का भजन किया, सारा जीवन प्रभु का नाम कीर्तन किया, अभी वृद्ध हो गया नहीं कर उसको सेवा ठाकुर को करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सारा जीवन उसने ठाकुर को सेवा उसने की है, ठाकुर जी की सेवा की है। इसलिए यहाँ पर जो भजन नहीं करते हैं, अपना अनित्य स्त्री पुत्र परिवार को ही जो जीवन का सर्वस्व मान लिए, ठाकुर का भजन को एक तरफ में कर दिया, उनके लिए ठाकुर जी ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन जिस घर में कीर्तन भजन पूजा तो घर भगवान का धाम ही है, वो घर नहीं वो भगवान की धाम है। इसलिए कत काल फास में
उसको गला में रस्सी लगाते हैं, रस्सी को लगा करके हैं, इतने में उसको अभी वो बोलने के लिए जिस समय जमदूत आते हैं ना, उस समय में केवल जो जाता है वही देख पाता है, सब नहीं देख पाता है। एक बार हमें जब गांव में था है, जब एक बार गांव में था, एक माता जी, कभी कभी गर्मी का समय में हमारा गांव ना पूरा यहाँ पर जितने आसपास में किसका एक आंगन था उसमें सब जाके सो जाते थे। एक माता जी रात को इतनी जोर से चिल्लाए, मर गया, मेरे को पिटाई कर रहे, मार रहे, बचाओ बचाओ। अभी जितने वहां सो रहे थे इकट्ठे, सब गांव के लोग सो रहे थे एक स्थान पर, सबके सब जग गए। बोले क्या हुआ? बोले मेरे को मार रहा है, पिटा। बोले कोई तो है नहीं? बोले नहीं, देखो देखो देखो, ये मार रहा है, पीट रहा है, हमको ले जाना है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो केवल मरता है वही उनको देख पाएगा, सभी ये चीज को सभी नहीं देख पाते हैं। इसलिए इसमें उसमें लास्ट में पूरा परिवार, स्त्री पुत्र परिवार को सोचते सोचते रो रो करके अपना शरीर को वो त्याग देता है। लेकिन अगर जो भक्त होते हैं उनको चारों तरफ में भक्त घिरे होंगे, अपना बेटा बेटी अगर सबके सब भजन करते होंगे, गला में कंठी माला तिलक है, अगर मरते समय क्या होगा, उनको याद करते करते मरेगा। अगर बेटी को भी याद करके बेटा क्या करता है, भजन कर रहा है। अगर बेटी को भी याद करके बेटी क्या करे, ठाकुर भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है। इसलिए कि भक्तों का चरित्र अद्भुत है, क्योंकि भक्तों को दर्शन करते 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 अंतिम श्वास को त्याग देते हैं, ठाकुर को स्मरण करते करते। लेकिन एक जो साधारण व्यक्ति क्या करता है, अपना दुनियादारी नाती पोती जैसे जड़ भर भरत महाराज ने शिक्षा दिया, लास्ट में उन्होंने जैसे हिरण को जैसे चिंतन करते करते फिर हिरण जन्म में प्राप्त हुए हैं। इसलिए संसार का माया ममता में अगर हम भक्ति नहीं करते तो मृत्यु समय जैसे मृत्यु उसको वैसे गति भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उसने क्या करता है, रो रो करके अपना प्राण त्याग करते हैं। अभी जमदूत उपस्थित होकर के जब जमदूत को देखते हैं, देखो प्राण भी कभी आंखों से निकलती हैं आप देखना, और कभी कभी ये ब्रह्मताल फट जाती है, कभी कभी प्राण इधर से जाती है। अगर इधर से प्राण अगर आंखों से जाए इसको अच्छे मानी जाती है। बस लास्ट में देखना मरते समय कभी कभी मुंह से भी प्राण जाती है, हैं? लेकिन जिनका नीचे से प्राण जाती है, कभी किसको जब टाटी पेशाब करते हुए जाती, इसका मतलब है इनकी गति बड़े दुर्गति हुई है। क्योंकि उस समय यहाँ पर कह रहे हैं मलमूत्र त्याग करते, क्यों जमदूत आकर के बड़ा कष्ट उसको देते हैं, भजन नहीं किया ना, गले में कालभास को लगा करके उसको खींचते हुए ले जाते हैं, इसलिए उनको डरते हुए टाटी पेशाब वो कर देते हैं, ऐसे उसको पिटाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उस समय में कहते उसको मलमूत्र त्याग करता है, जमदूत जब पकड़ कर ले जाते हैं, कहते उसको स्थूल देह से, जो उसके स्थूल देह से एक शरीर उनको प्रदान करते, उसका नाम होता है जातनामय देह। जातनामय देह मतलब होता है जैसे ये शरीर में अगर हमें ज्यादा कष्ट देगा ना हम मर जाएंगे, लेकिन जो जातनामय देह आप कष्ट तो भोग करोगे मरोगे नहीं, गर्म कढ़ाई तेल में डाल देंगे छटपट करोगे मरोगे नहीं, जिंदा जिंदा काटेंगे, सियाल भिलते कुत्ते उसको मांस को नोच नोच कर खाएंगे, चिड़िया जिंदा अवस्था में, लेकिन उसका कष्ट भोग करेगा लेकिन वो मृत्यु नहीं होगा। इसको कहते हैं ये जातनामय ये शरीर, उसको जातनामय शरीर में दे देते हैं। इसलिए उसको कहते जैसे जगत में जब कोई व्यक्ति चोरी बदमाश करता है उसको क्या कहते हैं, जैसे पुलिस होता है बार राज जो राजा का दरबार में जो दंड देते हैं, हैं, जो भजन नहीं करता है जब उसको पकड़ कर ले जाते हैं ना, रास्ता में गाली देते देते उल्टा पुल्टा बोल करके गाली देते देते उसको ले जाते हैं। बोले ले जाते समय कितना स्थान ले जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते हैं उसको करी करी वो जो रास्ता है 99 सहस्र योजन, 99 सहस्र योजन रास्ता उसको ले जाते। बोले कितने समय में? बोले 2-3 मुहूर्त में। कहते एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट होते हैं। उसको 2-3 मुहूर्त में उसको इतने रास्ता उसको पिटते पिटते मारते मारते, कहते गर्म रेतियों के ऊपर में घिसड़ते घिसड़ते कुकुर उसका कुत्ते उसको मांस को नोच नोच कर खाते हैं, हैं? तब तो बालू का ऊपर में विदीर्ण करते हुए गाली देते देते उसको ले जाते हैं। कहाँ? उसको पीठ के ऊपर में फिर कोड़े मारते हैं,
कोड़े मारते मारते बहुत कष्ट में वो व्यक्ति चलते चलते सूर्य का ताप पड़ रहा है, खुदा में आतुर हो रहा है, चलने के लिए असमर्थ है, रास्ता में पानी नहीं, और कोड़े मारते मारते उसको ले जाते हैं, कोड़े मारते मारते। इसलिए हमारे यहाँ पर 13 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होता है ना, इसलिए कि गौरव पुराण में बताए उसको एक वैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो नदी में केवल टाटी पे सब खून पी के होते हैं, इसलिए उसको पार करने के लिए उसको 13 दिन लगता है, जो गौरव पुराण में सब बात को बताया गया है। इसलिए उसको जब वहाँ पर उपस्थित होता है वहाँ पर क्या देखता है, उसको तो शरीर को अंगार से उसको जला रहे हैं, उसको शरीर को दर्दीभूत कर रहे हैं, कहीं कहीं उसको उसका मांस कभी खुद खा रहे हैं, अपना मांस को कहीं कहीं काट काट कर अपना मांस वो खा रहे हैं, हैं? और कभी कभी देखते हैं कुत्ते जैसे उसको मांस को कुत्ता कहीं खा रहा है, गिरधर कोई खा रहे हैं, खेच कर इसको नाड़ी मुड़ी को खा रहा है, किसको सर्प डांस रहे, किसको बिच्छू डांस रहे हैं, दंशित तो हो रहे हैं, और किसको पर्वत ऊपर से फेंक रहे हैं, किसको जल का गड्ढे में उसको किसको वहीं पर उसको फेंक करके वहीं पर फेंक दिया, किसको एकदम गर्म तेल में जैसे पकौड़ा छाँक देते हैं, किसको ऐसे छाँक रहे हैं, जीव जैसे 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 जीव कर्म किया वो कर्म का अनुरूप जीव को वहाँ 84 नरक में, ये पंचम स्कंध में इस सारे नरक की सारे बात वहाँ पर वर्णना किया। यहाँ पर एक विशेष बात कहते हैं, लेकिन एक तत्वविद व्यक्ति कभी कभी ये कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले कभी कभी यहीं पर स्वर्ग मिलता है, कभी कभी यहाँ पर भी नरक मिलता है। तत्वविद व्यक्ति कहते हैं कभी कभी यहीं पर कभी कभी स्वर्ग और यहीं यहीं कभी कभी नरक होता है, हैं? इसलिए स्वर्ग नरक मतलब क्या है, यहीं पर कभी कभी देखना, जो कि संसार में जब भगवान भक्ति करे भजन करे आनंद में प्रभु की कीर्तन भजन में जो रहते हैं स्वर्ग किया वो तो उससे भी श्रेष्ठ, वो भी भगवान की कथा कीर्तन में जो आनंद में हैं, जैसे आप लोग हर समय कीर्तन कथा में आते हैं, अब कहाँ बैठे हो, गोलोक वृंदावन में बैठे हो, ठाकुर की धाम में बैठे हो, क्यों, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कीर्तन का आनंद है, कीर्तन की आनंद में मस्त हो। इसलिए हमारे बृहद भागवत व्रत में वहाँ पर वर्णना करते हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, वो वैकुंठ से भी ज़्यादा सुख यहीं पर प्राप्त करते हैं, क्यों, जो कृष्ण कथा सुनते हैं कृष्ण नाम करते हैं और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वस्तु को यहीं पर प्राप्त करते हैं। इसलिए और कभी कभी संसार में जो दुख कष्ट है यहीं पर नरक है। अब इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसका हाथ कट गया, किसकी पैर कट गया, किसको ये हो गया, किसको, वहाँ पर जाते ही देख करके तो डर जाएंगे वहाँ पर। इसलिए कभी कभी कहते यहीं पर स्वर्ग, कभी कभी यहीं पर नरक, कभी कभी यहीं पर मिलता है। इसलिए फिर भगवान क्या कहते हैं, जब जीव को वहाँ पर जैसे जैसे कर्म किया कर्म अनुरूप वहाँ पर भोग जब कर लेता है, फिर भोग करने के बाद उसको फिर क्या गति होती है, फिर इसको हम कल सुनेंगे, सारे दुख कष्ट भोगने के बाद उसको फिर कहाँ कहाँ फिर गति होता है, हाँ, कैसे उसको चंद्र लोग ले जाएंगे, फिर कैसे जीव कैसे मातृ गर्भ में आता है, पूरा यहाँ पर ठाकुर जी सारी बात एक एक करके अपना माँ को सारी बात बताते हैं, ठीक है, लिखाई गौरव ब्रह्मानंदे। इसलिए साधु सावधान, साधु सावधान, सावधान मतलब क्या, हर समय भगवान की भजन करो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद की बात है, प्रभुपाद कहते ये जड़ मतलब शरीर है, समझ रहे, जड़ मतलब शरीर मतलब क्या है कि ये शरीर में क्या है, कुछ है नहीं, वो टाटी पेशाब खून पी इसमें कुछ है ही नहीं, इसके सिवाय कुछ नहीं है, इसका पेट फाड़ कर कोई बैठ गया तो भग जाएंगे, केवल टाटी पेशाब खून से, लेकिन ऊपर से केवल एक चमड़ा से ढका हुआ है, इतना प्यार लगती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जड़ का शरीर है ये बेकार शरीर, लेकिन इसी शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर को अवलंबन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्त। यद्यपि शरीर टाटी पेशाब पंचर अचित ये अधम शरीर है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इसी शरीर के माध्यम से हम एक दिन भगवान तक पहुँच सकते हैं, इस शरीर से हम भगवान तक प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस शरीर को रगड़ कर क्या करो, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में, ये जीवन को भगवान के भजन में लगा दो,
तभी ये शरीर की सार्थकता है, है? कौन बोलेगा परसु कथा, किसको याद है इसको बंद कर दो, परसु कथा कौन बोलेगा, कौन महापुरुष को ये सब सबको याद है लेकिन कोई